हेलो स्टूडेंट्स, पहले फर्स्ट इन फर्स्ट वीडियो वी आर स्टार्टिंग अबाउट न्यूट्रिशन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड नेक्स्ट वीडियो वी आर स्टडिंग अबाउट हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। इन अ प्रीवियस क्लासेस वी आर स्टडिंग अबाउट बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सिंपल वे प्लांट्स मेकिंग अ फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, बट जैसे जैसे हमारी क्लास फॉरवर्ड हुई तो उससे ज़्यादा हमारी नॉलेज भी डेवलप हुई। तो हमें खाना बनाते तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू हैं, बट उनको भी तो कुछ रॉ मटेरियल प्रोवाइड होता है, तभी तो अपना खाना खुद बनाते हैं। रॉ मटेरियल क्या क्या प्रोवाइड होता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट। वाटर, हमें वाटर मिला, वाटर हमने उसको कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया, सॉइल में, उसकी रूट्स में। सॉइल में क्या है, प्लांट्स की रूट्स हैं, जो वाटर कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगी, प्लांट्स की लीव्स तक। तो जो खाना प्रिपेयर हो रहा है एक प्लांट्स के अंदर बाय अ लीव्स, लीव्स के थ्रू, जो लीव्स का बहुत मेन रोल होता है इन अ फूड मेकिंग में, जो खाना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मिली, उन्होंने क्या किया, एक लीव्स के अंदर एक छोटे छोटे लीव्स के छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा जो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर रिलीज़ कर लेते हैं, जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो फिर अपना वर्क करते हैं। एंड देन सनलाइट, सन से उसको लाइट मिली। अब सनलाइट तो आ रही है, फूड के पास क्लोरोफिल नहीं है, ग्रीन पिगमेंट नहीं है, लीव्स ग्रीन नहीं है, तो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करेगी, नहीं कर सकती ना। तो एक फूड, एक लीव, एक खाना बनाने के लिए एक प्लांट को, उसको क्लोरोफिल की बहुत मेन रोल प्ले होता है। जिसके पास क्लोरोफिल है वही अपना एक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कर पाती है, अदर नहीं कर पाती है। नाउ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, सॉइल, स्टॉम। वाटर मिला, उसको हमने ट्रांसपोर्ट किया सॉइल में, सॉइल से फिर उसके रूट्स के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट हुआ लीव्स में, देन मेकिंग अ प्रोसेस ऑफ अ फूड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली उसे, जब हमने उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड की, उसने अब्जॉर्ब की, और वो कहाँ तक गई, उसके स्टोमेटा में, लीव्स में, लीव्स के जो पोर्स होते हैं स्टोमेटा के थ्रू उसकी लीव्स तक पहुँची, जो लीव्स के पोर्स होते हैं इनमें। सनलाइट मिला, सनलाइट सन से उसको मिली, पर सन से उसको कब उसने अब्जॉर्ब की, जब उसके पास क्लोरोफिल था। अभी हमारे पास कई बार क्या होता है कि लीव वाइट कलर की भी होती है, कई बार ग्रीन कलर की भी होती है। जब हमारे पास लीव वाइट कलर की है तो उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है, तो वो अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर करेगी, वो किसी और पर डिपेंड होगी। हम उसके बारे में भी आगे स्टडी करेंगे इसी इन दिस चैप्टर। नाउ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मेक्स अ, एंड सनलाइट क्लोरोफिल, इन दोनों से मिलके कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट भी मिल गई हमें नेचुरल से, क्लोरोफिल भी, हमारे पास ग्रीन पिगमेंट है लीव्स के अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस में ऑक्सीजन। और कार्बोहाइड्रेट प्लस में ऑक्सीजन जो होगा, कई बार हम लोग कहते हैं ना कि प्लांट्स तो CO2 एब्जॉर्ब करते हैं एंड वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, तो यस, वो किसके थ्रू होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के थ्रू होता है। प्लांट्स में जो हम CO2 एब्जॉर्ब करते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, कई बार हमने देखा होगा। और वो कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन वो किस में कन्वर्ट होता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। हमने देखा है इन प्रीवियस वीडियो कि हम कभी भी प्लांट्स की लीव्स को, मतलब थोड़ा सा
तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद हमने देखा उसमें वाइट कलर के, तोड़ने के बाद उसमें वाइट कलर का कुछ लेसदार ऐसा कुछ होता है, स्टार्च टाइप जस्ट। तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपना फूड खुद प्रिपेयर किया, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था, उसमें फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया हुई। क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट वीडियो।